हरे कृष्ण। हमने कल देखा किस प्रकार से भीष्म ने धृतराष्ट्र और पंडु दोनों के विवाह के बारे में सोचा और विदुर से कंसल्ट किया कि हाउ इट वुड बी इफ धृतराष्ट्र इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ सुबल हु इज गांधार नरेश एंड इफ पंडु इज मैरिड टू टू गर्ल्स कुंती एंड मात्री। जब विदुर ने भी कहा हाँ तो उसके बाद में सुबल महाराज सुबल जो कि गंधार नरेश हैं उनको न्योता भेजा गया, उनको बोला गया कि इस प्रकार से गंगा पुत्र भीष्म हस्तिनापुर के राज्य के लिए एक पुत्र वधु के रूप में आपकी बेटी गांधारी चाहते हैं। इनिशियली सुबल ने मना किया जान करके कि मेरी बेटी का होने वाला पति या मेरा दामाद ही अंधा होगा, लेकिन कुरुवंश इतना प्रेस्टिजियस वंश है प्लस धृतराष्ट्र का शारीरिक बल 10,000 हाथियों का बल, ये देख करके अल्टीमेटली सुबल ने हा कहा। जैसे ही गांधारी को पता चला, उस बालिका को पता चला कि उनके होने वाले जो पति हैं वो अंधे हैं, उन्होंने अपनी आंखों पर एक काली पट्टी बांधी और अपने जीवन भर वो कभी काली पट्टी नहीं खोली एक्सेप्ट एक बार जब दुर्योधन और भीम का युद्ध होने वाला था, उससे उस समय वो कहता हम बहुत आगे देखेंगे, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ महाभारत। सो गांधारी वेरी वेरी चेस्ट। अल्टीमेटली सुबल ने अपने बेटे शकुनी को कहा कि आप गांधारी को लेकर के जाइए। शकुनी गांधारी को लेकर के आए और हस्तिनापुर में ही धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हुआ। और हम देखते हैं जैसे कि भीष्म जानते थे कि इवेंचुअली शी वुड बेयर 100 सन, सो देर वुड नेवर बी एनी प्रॉब्लम फॉर सक्सेशन, इसका तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सो ये हुई बात गांधारी, गांधारी का विवाह हुआ। गांधारी घर में आई और अपने बहुत ही मृदु और शांत स्वभाव से उन्होंने सारे कुरुवंशियों का मन जीत लिया। शी वन एवरीवन्स हार्ट। वो बहुत ही सिंपल थी, नेक दिल थी, सबकी सेवा करती थी, अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके रखी थी, कभी स्वप्न में भी किसी पुरुष का विचार नहीं करती थी, अपने घर वालों की सेवा करती थी। शी वॉज द एपिटोम, द टॉप ऑफ एवरीवन्स आईज। जब ऐसा हुआ देन भीष्म शिफ्टेड हिज अटेंशन टू पांडु, या पांडु का भी विवाह करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यादवों के राजा शूरसेन जो कि वसुदेव के पिता हैं या फिर कृष्ण के दादाजी हैं, कृष्ण के पिता वसुदेव और वसुदेव के पिता शूरसेन, शूरसेन की एक बेटी थी प्रथा। प्रथा मतलब कौन हो गई, वसुदेव की बहन हो गई और इस हिसाब से कृष्ण की बुआ हो गई। प्रथा को महाराज शूरसेन ने अपने एक चचेरे भाई को दिया जिनका नाम था कुंती भोज। वो संतान रहित थे तो शूरसेन ने अपने चचेरे भाई कुंती भोज को प्रथा को दत्तक दे दिया और इसीलिए कुंती भोज की बेटी के रूप में उनका नाम पड़ा कुंती। कुंती वॉज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर थी। बहुत बचपन में उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा की थी। दुर्वासा मुनि ने ये जानते हुए, दुर्वासा मुनि तो त्रिकालदर्शी हैं, दुर्वासा मुनि ने ये जानते हुए कि आगे जाकर के इनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, दुर्वासा मुनि ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया। वरदान क्या था कि आप किसी भी देवता को बुला करके उनके थ्रू एक बच्चा उत्पन्न कर सकते हो। सो कुंती थी वहां पर, दुर्वासा अंतर्धान हो गए। कुंती ने ऐसे ही खेल खेल में उन्होंने सूर्य का आवाहन किया। अब सूर्य आए और कुंती डर गई, ये क्या हो गया। तो सूर्य आए बोले बालिके क्या पर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो सूर्य ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने मुझे पुत्र के लिए बुलाया है तो निश्चित रूप से हमारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती डर गई, नहीं फिर मेरे वर्जिनिटी का क्या होगा। तो सूर्य ने कहा कि आपका कौमारिका व्रत अभंग रहेगा लेकिन आपको एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। सो थोड़े ही समय में एक बेटे का जन्म हुआ जिनका जिसका नाम केवल प्रथा ने रखा वसुसेन। इस वसुसेन को उन्होंने एक छोटे से संदूक में लेकर के बहा दिया नदी में और आगे जा कर के राढ़ राधा के पति जो कि एक सूत थे
उनको ये बेटी मिली, वो बहुत समय से निसंतान थे, सोचो बड़ा था, और उनके पति को ये मिली, तो इसलिए उन्हें सूत या उनका आगे जाके नाम कर्ण पड़ा, और सूत पुत्र करके उन्हें संबोधित किया गया। एनीवेज दिस वाज हिस्ट्री, दिस वाज नेवर नोन टू एनीवन। पंडू और कुंती का विवाह रचाने के लिए भीष्म कुंती भोज के पास गए। कुंती भोज ने कहा स्वयंवर रचा जा रहा है, आप उसमें भाग लीजिए। सो जब स्वयंवर के लिए सारे राजाओं का ये हो रहा था, उसी समय जा करके भीष्म पितामह ने कुंती को उठा लिया और देन ही वॉज लाइक चलने लगे, एनी वन वॉन्ट्स दे फाइट विथ मी। यस, तो कुंती को लेकर के भीष्म पितामह ने सबको हरा दिया। कुंती भोज वॉज वेरी वेरी हैप्पी, अल्टीमेटली गॉट एंड मैरिड कुंती टू पंडू। इन्होंने सोचा कि अरे अगर गांधारी के तो 100 पुत्र होंगे, कुंती से अकेले नहीं होंगे, तो हमें एक और ये करना चाहिए, ये पंडू का विवाह, और अल्टीमेटली राजा तो वो भी पंडू है, सो अगर गांधारी के 100 हुए तो इनको थोड़े तो होने चाहिए। ये सोच करके भीष्म स्वयं गए मद्र नरेश के पास और उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। मद्र नरेश के जो बेटे थे उनका नाम था शल्य। शल्य ने गंगा पुत्र की बहुत अच्छे से अगुवाई की, उनको बिठाया, स्थानापन्न किया, उनके पैर धोए, ही गेव हिम ऑल द आदर आतिथ्य ही डिजर्व्ड एंड सेड यस माय नॉट विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन हमारे यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे यहाँ प्रथा है कि बिना दहेज के हम अपने बेटे का विवाह नहीं करेंगे, तो भीष्म जानते ही थे ये दहेज देने की प्रथा तो बहुत पुरानी है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो भीष्म अपने 10 सैनिकों को बुलाए और उन्होंने इतनी बड़ी थालियों में हीरे जवाहरात माणिक मोती सोना जो भी ये देख करके मद्र नरेश खुश हो गए एंड अल्टीमेटली इस तरह से माद्री का विवाह भी पंडू के साथ हुआ। सो धृतराष्ट्र गॉट मैरिड टू गांधारी एंड पंडू गॉट मैरिड टू कुंती एंड मैट। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा।